नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी आप लोग के सामने अपना एक नया और दमदार कविता लेकर आया हूँ। गौर कीजिए, किसका दिल नहीं रोएगा इन दलितों की मूर्खता पर, किसका दिल नहीं रोएगा इन दलितों की मूर्खता पर, आग लगाने वाली कांग्रेस पार्टी की धूर्तता पर। अरे लूट घसोट दंगा फसाद घिन आती है इस वीरता पर, लूट घसोट दंगा फसाद घिन आती है इस वीरता पर, और आंख में खून निकल आता है कांग्रेस पार्टी की क्रूरता पर। अगर सियासी हाथ ना होता इन दलितों के कंधों पर, अगर सियासी हाथ ना होता इन दलितों के कंधों पर, तो आतंक नहीं मचाते ये जनता के धंधों पर। मोदी जी, अभी वक्त है इस उजड़े चमन को हरित कर दो, और थोड़े कचरे और साफ करो, इस देश को सुगंधित कर दो। गिरवी रख लो कभी बाला बिहारी को, गिरवी रख लो कभी बाला बिहारी को, चाहो तो बंधित कर दो, और देश तोड़ने वाली पार्टी कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दो। करो दलितों, तुम लोगों ने हद कर दिया है। दलित होकर दलित का विरोध करते हो? अरे लालू, ममता, मुलायम, ये लोग मोदी जी का विरोध करते हैं तो करने दो, क्योंकि ये लोग दलित नहीं है, ये लोग दलित के नाम पे राजनीति करने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी के अलावा दूसरा और कोई नेता बताओ जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा और 4 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपने लिए आज तक एक घर नहीं बनवाया हो। अरे कुत्ता भी कुत्ता का मांस नहीं खाता है, कुत्ता भी कुत्ता का मांस नहीं खाता है, और तू लोग दलित हो के दलित का खून पीने के लिए तैयार हो? तुम लोगों में अगर थोड़ी भी संस्कार होती, अरे तुम लोगों में तो सोचने समझने की क्षमता है, शक्ति है। जिस धरती पर जन्म लिए हो, जिस धरती पर चलना सीखे हो, जिस धरती पर बोलना सीखे हो, उस मातृभूमि का अपमान करते समय तुम लोग का कलेजा नहीं कांपता है? कन्हैया कुमार इतिहास की बात करता है, ये कन्हैया कुमार इतिहास की बात करता है। तुम लोग की इतिहास किस कलम से लिखा जाएगा? अरे जो व्यक्ति 18 घंटा देश के लिए काम करता है, जिसने देश के लिए अपने घर परिवार को छोड़ दिया और अपने पूरे देश को अपना घर बना लिया, जिसने 3 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय पद पर रहते हुए सारे सुखों का त्याग कर दिया हो, और आज तक एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया हो, वैसे महान संत रूपी नेता का विरोध करते समय क्या तुम लोगों को रात में नींद आ जाती है? अरे मूर्खो, जो पैसा कांग्रेस तुम लोगों को देती है वो तुम्हारा ही पैसा है। अगर तुम लोगों में थोड़ा भी संस्कार होता तो अल्पेश, जिग्नेश और कन्हैया कुमार जो सारे दलित मोदी जी का विरोध करते हैं, वो मेरी बात मानो, मोदी जी का साथ दो, और कांग्रेसियों, तुम लोगों ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौत से थोड़ी भी सबक ली होती तो रामकृष्ण की इस पावन धरती पर तुष्टिकरण की राजनीति करने की साहस नहीं करते। कांग्रेस कोई कछुआ नहीं, मोदी जी कोई कछुआ नहीं है जो कोई पछाड़ देगा, मोदी जी कोई कछुआ नहीं है जो कोई पछाड़ देगा, मोदी जी गाजल मूली नहीं है जो कोई उखाड़ देगा। अरे मोदी तो वह चट्टान है जिसको हिलाने वाला हर विरोधी पटान मार देगा। भाइयों, मोदी जी भाइयों, कांग्रेसियों के सपोर्टरों को लोग गुलाम कहते हैं, कांग्रेसी सपोर्टर को लोग गुलाम कहते हैं, ये कितने कितने शर्म की बात है कांग्रेसी सपोर्टरों के लिए, और मोदी जी के सपोर्टरों को भक्त कहा जाता है, कितने गर्व की बात है। गौर कीजिए, कमर कस लो मोदी भक्तो, कमर कस लो मोदी भक्तो, बातों पर मेरी अमल कर लो, कमर कस लो मोदी भक्तो, बातों पर मेरी अमल कर लो, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह कमल कमल कर दो। देश के लिए मरना अभिशाप नहीं उत्सव होगा, देश के लिए मरना अभिशाप नहीं उत्सव होगा, और इस दो लाइनों पर भाइयों तालियों का गर्दा चाहिए साथियों। देश के लिए मरना अभिशाप नहीं उत्सव होगा, देश के लिए मरना अभिशाप नहीं उत्सव होगा, और मोदी के लिए खून बहाना भक्तों के लिए महोत्सव होगा। दृढ़ निश्चय कर लो, अब पक्का कांग्रेस मुक्त भारत होगा, दृढ़ निश्चय कर लो, पक्का कांग्रेस मुक्त भारत होगा, और सौगंध राम की 2019 में मोदी मोदी भारत होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा कविता पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पर सर्च करें कभी बाला बिहारी गोपालगंज, और हमारे सारे कविता को एंजॉय करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय